हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, सीसी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के यहाँ पे एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, जो कि आपके 2024 और 25 सेशन के हैं। तो अब आपको अपना एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कॉलेज एडमिशन फॉर्म के साथ साथ अपना कैंपस का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम फॉर्म फिल करेंगे कॉलेज के लिए, उसके बाद हम कैंपस के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जाना है सीसी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आ जाने के बाद देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2024-25 के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए 2024-25 के लिए। तो यहाँ पे आपको 2023-24 के भी लिंक मिल जा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्लिक करना है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25, जिसमें देखिए अभी यहाँ पे यूजी एडमिशन फॉर्म यहाँ पे अभी ओपन हुए हैं। साथ ही जल्दी आपको यहाँ पे पीजी एडमिशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2024-25 के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट ऐप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट ऐप में आपको पोर्टल मिल जाएगा एडमिशन पोर्टल सेशन 2024-25, जहाँ से आप यूजी एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 अप्रैल से आपका एडमिशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं फिल होने। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑप्शन और कॉलेज पोर्टल। देखिए न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन और यूजी कैंपस रजिस्ट्रेशन। यानी आप अगर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आप यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कैंपस यानी सीजन यूनिवर्सिटी मेरठ में जाके आपको एडमिशन लेना है, तो यूजी कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बात करें, आप किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, वहां से आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा, उससे आप कॉलेज का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और कैंपस का भी। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, अगर आप यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन ऑप्शन क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और कॉलेज के लिए आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, इसके बाद आप स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन क्लिक करके आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपना एडमिशन फॉर्म जो कि कॉलेज के लिए है वो फिल कर लिया है और फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लिया है। फाइनल प्रिंट डाउनलोड होने के बाद अब आप कैंपस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से भी कैंपस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, अगर आपने कैंपस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो आप कॉलेज के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होता है सर्च ऑलरेडी रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट, इस ऑप्शन में क्लिक करके आप किसी दूसरे ऑप्शन को के लिए आप अप्लाई करना चाहिए, कॉलेज के लिए या फिर कैंपस के लिए। तो यहाँ पे साथ में ऑप्शन मिलता है, स्क्रॉल करने के बाद स्टेप मिल जाएंगे, 7 स्टेप में आपका एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है। साथ ही राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है आपको, ब्राउजर मिल जाएंगे कॉलेज और कैंपस एडमिशन फॉर्म के लिए। साथ में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसके रिगार्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगा, साथ में एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप क्लिक करके अपने एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के अंदर। साथ ही हम यहाँ पे स्क्रॉल अप करते हैं, देखिए हमें ऑप्शन मिल जाते हैं होम, फॉरगेट पासवर्ड और सीट अवेलेबिलिटी। तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन क्लिक करके आप स्टूडेंट पासवर्ड यानी जो आपने रिसेंट प्रोसेस किया हुआ है उसका पासवर्ड यहाँ पे अगर भूल गए हैं उसको आप यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं। साथ में ऑप्शन मिलता है सीट अवेलेबिलिटी, तो इस ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं, ऑप्शन मिलता है गेट सीट अवेलेबिलिटी, इस ऑप्शन में हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहां से आप सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी सीट फिल हो चुकी है और कितनी यहाँ पे पेंडिंग है वो चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम सर्च करते हैं सेलेक्ट कोर्स के ऑप्शन में, आपको कोई भी कोर्स जो कि यूजी का कोर्स है या पीजी का कोर्स है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसको आपको आपका एडमिशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। ग्रुप सेलेक्ट होने के बाद मिलता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपको किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको मेरठ सेलेक्ट करना है। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और सर्च नाउ के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर जितने भी कॉलेज हैं जो इस कोर्स को करा रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे शो करेगा जो आपका कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, वो आपको यहाँ पे कॉलेज टाइप आपको शो कर जाएगा। साथ में उसमें कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है, टोटल सीट कितनी है, कितनी फिल हो चुकी है, वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके कोर्स के लिए कितनी सीट यहाँ पे अवेलेबल है और कॉलेज टाइप क्या है वो, साथ ही कितनी फील्ड हो चुकी है, कितनी अभी लेफ्ट है, उसी हिसाब से आप अपना कॉलेज यहाँ पे सिलेक्शन कीजिएगा जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेम एक कोर्स के लिए और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ अपना बीबीए के लिए। सर्च करते हैं, सिलेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आपको कॉलेज शो कर जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं वो मेंशन हो जाएंगे, साथ में कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी फील्ड हो चुकी है, कितनी अवेलेबल है, सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सीट अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद अब बात आती है एडमिशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले हम एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं यूजी कॉलेज के लिए, इसके बाद हम कैंपस का आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। अगर आप कैंपस का पहले फिल करते हैं तो आप कॉलेज का बाद में अपना फिल कर लीजिएगा।
जल्दी से मैं क्लिक करता हूँ यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको स्टेप वन के अंदर अपना यूजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल सेलेक्ट करनी है, इसमें आपको 12th की डिटेल देनी है अपनी। तो आपका जो 12th का बोर्ड का नेम क्या है, यूपी बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है या फिर कोई अदर बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है उसका बोर्ड का नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अभी CBSE जो बोर्ड है उसका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट का बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद 12th बोर्ड का जो आपका रोल नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है, एप्लीकेंट नेम यानी स्टूडेंट का नेम फिल कर देना है। ये जो डिटेल आप फिल करें वो 10th के बेस पे ही डिटेल फिल कीजिएगा। इसके बाद फादर्स का नेम, मदर्स का नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है स्टूडेंट की। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट का। आधार नंबर में आपको 12 डिजिट आधार की आपको फिल कर लेनी है, जो कि मैंडेटरी है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको फिल कर लेना है। इसमें एड्रेस में फुल एड्रेस, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। सेम आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और कंफर्म कर लेना है आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। उसमें एक आपका अपर केस और लोअर केस आपका अल्फाबेट होना चाहिए और नंबर भी होने चाहिए। तो ऐसा आपको एक पासवर्ड 8 डिजिट से लेकर 12 डिजिट का पासवर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है अपना पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद देखिए टर्म एंड कंडीशन हमारी पहले से ही एक्सेप्ट रहेगी। इसके बाद राइट कैप्चा फिल कर लेना है और फिर रजिस्टर नाउ में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको SMS के थ्रू आपको मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल एड्रेस पर भी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें ओके का ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए शो करेगा हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो आपके यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्लिक करना होता है क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे। साथ में स्क्रॉल करते देखिए आपको मिल जाते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करने कितने स्टेप आपके बाकी हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो कि हमारा स्टेप 2 रहेगा, जो कि हमारा वेटेज यहाँ पे क्लेम करने का स्टेप रहता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और आप लॉग आउट हो जाते हैं, अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के बाद देखिए दोबारा से हम पोर्टल पर आ जाते हैं, जहाँ पे अब अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आ गए हैं। तो अब हमें सेकंड स्टेप, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट लॉगिन का, इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम लॉगिन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो आपको फिल कर लेना है। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करते ही हमें आ जाना है लॉगिन के पेज पे। लॉगिन पेज स्टेप आते ही हम देखिए आ जाएंगे उस स्टेप पे, जहाँ से हमें अपना नेक्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट पहले हो चुका है, स्टेप 1 पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्लिक हियर टू एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, जो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में आपको अपना वेटेज क्लेम करना होता है रिजर्वेशन के लिए, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हियर टू सबमिट के ऑप्शन पे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि स्टेप 2 जहाँ से हमने अपना लॉग आउट कर दिया था उसी स्टेप पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपना वेटेज क्लेम करना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली की इनकम ग्रुप किस ग्रुप के अंदर आते हैं, आपकी इनकम कितनी है, फैमिली की 2 लाख है, 2 लाख से कम है या कितनी है, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका रीजन है सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट क्या है आपका, यानी आप कहाँ पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं या फिर अदर स्टेट के अंदर रहते हैं, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो नंबर आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है कास्ट और कैटेगरी। तो आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी, किस कैटेगरी अंदर आते हैं आप, जनरल कैटेगरी के अंदर SC ST OBC, तो जो भी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट करता हूँ। जनरल सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलता है EWS स्ट्रीम। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने कास्ट कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया SC ST OBC और कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो नन भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं आप तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने माइनॉरिटी स्टेटस को यस किया था तो सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नन मेंशन कर दीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है रिजर्वेशन कैटेगरी। तो आप यहाँ कोई सी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास है तो मेंशन कीजिएगा।
अदरवाइज आपको यहाँ पे नन फिल कर देना है। इसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है आप तो आपको अपना यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कर लेना है। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप, यानी आप नेशनल स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी आपने कोई स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद वेटेज क्लेम का ऑप्शन मिलता है, अगर आपके फैमिली में कोई भी पर्सन किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है तो आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी वेटेज आपको क्लेम करना है, अदरवाइज आपकी फैमिली में से कोई भी मेंबर यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग नहीं है तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे NCC NSS वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अदर डिटेल के अंदर ऑप्शन मिलता है ABC ID, अगर आपने अपना ABC ID क्रिएट किया हुआ है तो ABC ID आप यहाँ पे नंबर अपना फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपने अभी ABC ID क्रिएट नहीं किया तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई, चैनल पर आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर अपना ABC ID आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ABC ID नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने 12th पास कर लिया है आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपके पे मेंशन करना जरूरी है, तो इसके बिना आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से आपको या फिर बोर्ड से आपको मंगवा लेना है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपके यहाँ पे मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th या 12th की डिटेल फिल करनी है, अगर आपके पास 12th की डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे ITI पॉलिटेक्निक या इक्विवेलेंट आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10th की डिटेल फिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने 10th अपना CBSE बोर्ड से किया हुआ है तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपने UPP बोर्ड से अपना 10th पास किया हुआ है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है UP बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रयागराज, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज कोई अदर बोर्ड है आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर क्या है आपका 10th का वो मेंशन कर देना है, मार्कशीट नंबर यानी जो मार्कशीट सीरियल नंबर होता है आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, साथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको मेंशन कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, साथ में सब्जेक्ट जो आपके 10th के सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है उसके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। सेम डिटेल आपको 12th की मेंशन कर दी, इसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड या अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट, सीरियल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और पॉइंट और सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। बात करते हैं अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो इस केस में आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। 10th और 12th की डिटेल फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपका 12th का रिजल्ट जो उसके डिवीजन है वो ग्रेस मार्क्स के कारण चेंज हुई थी तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास 10th क्लास में मैथ्स था या फिर होम साइंस सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अगर दोनों ही थे तो बोथ सेलेक्ट करना है, अदर सब्जेक्ट है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है इंटरमीडिएट स्ट्रीम, तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी, PCM, PCB, कॉमर्स ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, जो भी आप स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कोर्स एलिजिबिलिटी शो करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे PCM सेलेक्ट किया है तो उस हिसाब से जो कोर्स एलिजिबिलिटी है वो शो कर रही है, यानी जो कोर्स आपको शो करेंगे उसी के आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम PCB के लिए आपको शो कर जाएंगे कोर्स एलिजिबिलिटी क्या है, आप देख सकते हैं किस किस कोर्स के लिए आप अपना यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रीम है। तो यहाँ पे आपको अपनी इंटरमीडिएट स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है, स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे आपको कॉलेज और कोर्स का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 कोर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, साथ में 3 कॉलेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3। तो यहाँ पे अभी कुछ अपडेट हो सकता है, शायद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाए, यानी आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 और कॉलेज का ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हम UG एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जल्दी PG एडमिशन फॉर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें जो हमारी 12th की स्ट्रीम है उसी बेस पे हमें यहाँ पे जो हमारे कोर्स है वो शो करेंगे, इन्हीं कोर्स का सिलेक्शन हमें करना हो। तो यहाँ पे आपके सामने जो कोर्स अवेलेबल है उसमें से आप कोई 3 कोर्स एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 के अंदर अलग अलग 3 डिफरेंट कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और कॉलेज के अंदर आपको उसी हिसाब से जो कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज शो करेगा, कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 में। या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे आप BBA करना चाहते हैं, BCA करना चाहते हैं, तो आपको तीनों कोर्स के ऑप्शन में जैसे BBA करना तो BBA सेलेक्ट करना है, BCA करना तो BCA सेलेक्ट करना है, इसी हिसाब से आपको जो कॉलेज है आप कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप 3 डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3 के अंदर जिस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है उसको कॉलेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है,
15 डिफरेंट कोर्स का सिलेक्शन करना है या फिर एक कॉलेज कोर्स का सिलेक्शन करना है और 3 डिफरेंट आपके कॉलेज यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन कर लेना जैसे आपको करना है। तो मैं अपने जल्दी से यहाँ पे कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन कर लेता हूँ और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 5। स्टेप 5 में हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं अपने फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें फोटो हमें अपलोड करना है अपना, इसका फॉर्मेट जेपीईजी और जेपीईजी रहेगा। साइज आपको रखना है 50 KB से लेके 100 KB के बीच में। इसके बाद हमें अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फॉर्मेट हमारा जेपीईजी रहेगा। साइज आपको 10 KB से लेके 50 KB रखना है। बात करते हैं 10th और 12th की, हमें यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है जिसकी हमें यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा जेपीईजी और जेपीईजी रहेगा दोनों का, और साइज रहेगा फाइल का 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो बात करते हैं अगर आपका 12th का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और आपके पास अभी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो आप रिजल्ट की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट कर लीजिए, जब आपके पास मार्कशीट आ जाए उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इसमें आपको फोटो, सिग्नेचर, साथ में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा स्टेप 6, जहाँ पे हमें अपनी पेमेंट करनी होती है अपने कोर्स की जो हमने सिलेक्शन किया है कोर्स के, जिसके लिए आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट करनी होगी 115 रुपये की। लास्ट ईयर भी आपको 115 रुपये की पेमेंट करनी होती थी। तो यहाँ पे जो पेमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट ऑनलाइन। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें पेमेंट करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले, जब आप पेमेंट कर लें तो आपकी पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वही मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे। तो अगर आपकी पेमेंट सक्सेस नहीं होती तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कॉल फॉर टेक्निकल क्वेरीज, जिसमें आपको 2 नंबर देखने को मिल सकते हैं। इन पर कॉल करके आप अपनी जो प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट कट गई है, पेमेंट शो नहीं कर रही है, उसके रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ भी आप यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करते वक्त, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। साथ में अगर आपके नंबर नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है जिसपे आपको ईमेल करना है अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी कोर्स की डिटेल, अपना नेम, सारी डिटेल मेंशन करके आपको अपनी जो क्वेरी है वो मेंशन कर देनी है। और जो अगर आपने पेमेंट का इशू है आपका तो वो डिटेल मेंशन कर देनी है और मेंशन कर देना है आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से मैं आप यहाँ पे पेमेंट के उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको आपकी डिटेल शो करेगी, साथ में पेमेंट आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। साथ ही QR कोड का उसमें मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके हम QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड में क्या हो आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर लेता हूँ जल्दी से। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आपके सामने फी रिसीट जनरेट हो जाती है, जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी और जो आपका स्टेटस है वो सक्सेस शो करेगा। साथ में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें क्लिक करके आपको अपने फी रिसीट की आपको यहाँ पे कॉपी की इसकी स्लिप की प्रिंट निकाल लेना है और उसके या फिर PDF फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल रिसिप्ट होती है। इसके बाद देखिए हमें होम का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे होम पेज पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और हमारे यहाँ पे सारे स्टेप शो करेंगे। साथ में शो करेगा जो महत्वपूर्ण निर्देश में आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। अब देखिए स्टेप 7 में शो करता है व्यू प्रिंट फिल्ड अप फॉर्म डिटेल। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपने कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया तो कैंपस ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपने पास सेव रख लेना है या फिर इसको PDF फाइल में अपने पास सेव रख लेना है। तो ये आपका फाइनल प्रिंट रहेगा। तो अब आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो यहाँ पे देखिए जो मेरिट आपकी लगती है वो आपके मार्क्स के बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, कुछ नहीं, मेरिट बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा जो आपने कॉलेज सिलेक्शन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने कॉलेज के लिए अपना यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल किया है। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे आपको कैंपस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है, या फिर आपने कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हैं कॉलेज का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आ जाने के बाद अब हमें कैंपस के लिए
या फिर आप कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस बार आपको जाना होता है सर्च ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट के ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो अब हमें अपनी यहाँ पे डिटेल से सर्च करनी है अपनी डिटेल। तो हमने अभी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है, तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, एप्लीकेंट का नेम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, राइट कैप्चा फिल करना है और सर्च नाउ बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपकी कैंपस के लिए डिटेल यहाँ पे सर्च हो जाएगी। कॉलेज के लिए हमने फॉर्म फिल कर लिया है इसलिए हमारी यहाँ पे कैंपस की डिटेल हमें शो करेगी, तो आपको डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। तो अब हमें फॉर्म फिल करना है अपना यहाँ पे कैंपस के लिए, तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म के उसमें क्लिक करना है। सबमिट फॉर्म के उसमें क्लिक करते ही हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे कोर्स और डिपार्टमेंट सिलेक्शन का। तो अगर आप कैंपस के लिए आपने फॉर्म फिल किया था पहले तो आपको यहाँ पे स्टेप 4 के अंदर कॉलेज और कोर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी आपको कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो हमें यहाँ पे कैंपस के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, सेम कॉलेज की तरह कोर्स आपको अपने जो भी सिलेक्ट किया है आपकी स्ट्रीम के हिसाब से ही आपको कोर्स यहाँ पे शो करेंगे जो आपकी 12th की स्ट्रीम है। तो यहाँ पे आपको अपना कोर्स 1, कोर्स 2 के अंदर आप सेम कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही कोर्स, या फिर 3 डिफरेंट कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी डिपार्टमेंट शो करेगा एक ही डिपार्टमेंट शो करेगा जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करते हैं। तो आपको अपने यहाँ पे कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 के अंदर सेम कोर्स सेलेक्ट कर लेना है या फिर 3 डिफरेंट कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कैंपस के लिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो कोर्स और डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करने के बाद हमें क्लिक करना है 7 नेक्स्ट ऑप्शन पे। 7 नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेटस के ऑप्शन पे, जहाँ पे देखिए अब हमारा कैंपस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले कैंपस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तो आपको कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा। साथ में देखिए स्टेप 7 जो कि हमारा प्रिंट का स्टेप रहता है, तो पहले हमारा यहाँ पे प्रिंट शो कर रहा था कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, साथ में प्रिंट शो कर रहा है कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, यानी जो हमारा 115 रुपये चार्ज है कैंपस के लिए वो यहाँ पे नहीं लगाया, यानी 115 चार्ज हमारा कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए ही हमारा यूज हो गया है कैंपस के लिए भी। यानी आप सेम अमाउंट पे कॉलेज और कैंपस का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही आपका कैंपस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आपके सामने शो हो जाएगा, जिसको प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करके आपको इसको फाइनल प्रिंट अपने पास निकाल लेना है या फिर इसको पीडीएफ फाइल में सेव रख लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कॉलेज एडमिशन फॉर्म के साथ साथ कैंपस का एडमिशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं सेम अमाउंट पे। तो पहले क्या था आपका डिफरेंट डिफरेंट चार्ज आपका लगता था, कैंपस के लिए अलग फीस देनी होती थी आपको और कॉलेज के लिए अलग। हो सकता है जल्दी ही फ्यूचर में आपको दोनों कोर्स के लिए दोनों एडमिशन फॉर्म के लिए अलग अलग से फीस देनी होती होगी, लेकिन अभी क्या है कॉलेज और कैंपस के लिए आपको सेम अमाउंट पे आपका एडमिशन हो रहा है। तो आई दोस्तों क्लियर हो गया होगा कैसे आपका एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।